फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इसमें नोट्स मेकिंग की, तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ते हैं चीज़ों को, उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए। जब आप चीज़ों को समराइज करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में रह जाते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग से बाहर चले जाते हैं। तो खुद पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, खासकर जो एनालिटिकल चीज़ें हैं उसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक समय के बाद आपके दिमाग में रह जाएंगी। चाहे वो अगर जैसे मान लीजिए आप मतलब अगर किसी भी टॉपिक का आप कोई सोशल पॉइंट बनाते हैं, या फिर इकोनॉमिकल पॉइंट बनाते हैं, या फिर आप उसका पॉलिटिकल पॉइंट बनाते हैं, या फिर आप उसका हिस्ट्री का कोई पॉइंट बनाते हैं, या फिर उसके ज्योग्राफी का कोई पॉइंट बनाते हैं, या फिर आप उसके कोई आईआर का पॉइंट बनाते हैं, या फिर करंट का पॉइंट बनाते हैं, फ्रेंड्स तो बिलीव कीजिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे टॉपिक्स में आते ही आते हैं। बस आपको इन टॉपिक्स को याद रखना है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियो, या फिर जो भी उसके इंटरनेशनल रिलेशन है, या फिर करंट अफेयर्स से चीज़ों को जोड़ना है। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी फैक्चुअल डेटा आ रहे हैं, या फिर कोई कमेटी आ रहा है, या फिर कोई कंपैरिजन आ रहा है, या फिर कोई रिपोर्ट आ रहा है, या फिर स्टेट का जो मैकेनिज्म है उसके ग्राउंड पे कोई केस स्टडी आ रहा है, तो आप ऐसे चीज़ों को अपने नोट्स में शामिल करेंगे। जब आप ऐसे चीज़ों को नोट्स में शामिल करते हैं तो फिर और आप उसको कोशिश करेंगे कि आपका वो जो आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है उसमें आप उसको जोड़ पाए, क्योंकि कोई भी नोट्स तब तक अच्छा नहीं माना जाता है जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन अपने आंसर में ना कर पाए। तो इसके लिए बिल्कुल इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि ज़्यादा डेटा करने से भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, तो एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट डेटा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो भी लेटेस्ट आ रही हैं, या फिर कोई जो रिपोर्ट आ रही है, या फिर कमिटी आ रही है, तो आप दो ही तीन रखें, बट उस दो तीन का प्रॉपर यूज जा करके अपने आंसर में करें। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले जो भी एग्जामिनर होते हैं, वो बस ये देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर को जस्टिफाई किया है या नहीं किया है। और किसी भी आंसर में अगर आप दो से तीन डेटा डालते, या फिर कमिटी का रिपोर्ट डालते, या फिर जो भी अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ों को डालते, या फिर जो पिक्चर बनाते, या फिर डायग्राम, या फिर फ्लोचार्ट वगैरह यूज करते हैं, तो उससे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि आपके पास जो विषय वस्तु की जो समझ है वो पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, इसलिए बिल्कुल भी मत परेशान होइए, ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने से भी आंसर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए चीज़ों को कोशिश कीजिए कि उसको एनालाइज करके प्रॉपर वे में लिखा जाए। जहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप डेटा का इस्तेमाल करें, और जो भी डेटा आप इस्तेमाल करें प्लीज़ आप उसको ऑथेंटिक सोर्स से ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि जब आप उस सोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जा करके फिर चीज़ें फिर मुश्किल हो सकती है। और जहाँ पे अगर आप चीज़ें भूल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसको अप्रॉक्सीमेट के फॉर्म में यूज़ करें। जब आप चीज़ों को समराइज वे में करके लिखते हैं, जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे उन्हीं चीज़ों के लिए आपको अच्छे मार्क्स भी दिए जाते हैं। जब आप आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो हाँ, कोशिश ज़रूर करें कि जो भी क्वेश्चन में जो भी पार्ट पूछे गए हैं, आप उन सारे पार्ट्स का सबसे पहले उसको चयनित करें कि हाँ, क्वेश्चन में कितने सेगमेंट्स हैं, उसके तीन सेगमेंट्स हैं या फिर चार सेगमेंट्स हैं। सारे सेगमेंट्स को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। उस रेक्टिफिकेशन के बाद आप निश्चित रूप से ये भी सोचें वहाँ पर कि हाँ, उसमें आपको इंट्रोडक्शन क्या देना है, या फिर उसका कंक्लूजन क्या देना है। फ्रेंड्स, किसी भी सेगमेंट्स को छोड़े ना, क्योंकि सारे सेगमेंट्स के लिए मार्क्स अलॉटेड होता है। अगर आप किसी एक सेगमेंट को भी छोड़कर आते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वहाँ पे कट होते हैं। इसलिए जो भी सेक्टर डिवाइड किए गए हैं आप उसको निश्चित रूप से करें। उसके बाद आप अगर चीज़ों को जोड़ सकते हैं, या फिर आपका जब टाइम अलाउ करता है, तो बिल्कुल आप उसको लिखने की कोशिश करें। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पटना कलमकारी पे लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आप पहले पटना कलमकारी क्या है, कैसे वो आया, कौन कौन से उसके जो उसके सिग्निफिकेंस थे वो, या फिर जो भी उसकी क्वालिटीज़ थी वो क्या थी, आज के टाइम में जो है पटना कलमकारी कितना प्रासंगिक है, या फिर जो भारत सरकार के द्वारा किस टाइप से उसको प्रमोट करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकते हैं, या फिर बिहार सरकार कैसे उसको फिर से जीवंत कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कैसे लोक कलाओं को प्रमोट किया जाता रहा है, या फिर बिहार के ऐसी लोक कलाओं को कहाँ कहाँ संरक्षित किया गया है, या फिर आप इसको MSME सेक्टर से भी जोड़कर लिख सकते हैं, या फिर जो भी डिफरेंट सेक्टर है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप आंसर राइटिंग में करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर होती है, और जो भी क्वेश्चन कॉपी चेक करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जहाँ तक बात करते हैं अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन की, जो कि काफ़ी यहाँ पे चैलेंजिंग सेक्टर माना जाता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप चीज़ों को वहाँ पर जो है आप करेंट से जोड़ करके
साथ ही साथ जो इंडिया की हिस्ट्री है वहां से कोरिलेट करके और थोड़ा सा डायग्राम बना करके दे सकते हैं। रेलिवेंस होना बहुत ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें आप जो भी लिख रहे हैं अगर वो आज के दौर में अगर प्रासंगिक नहीं है या फिर अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल भी आपके मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे स्टिक रहिए, अपने आंसर्स को कीवर्ड के अकॉर्डिंग घुमाते रहिए। जो कीवर्ड पूछा गया है आप उसी के फॉर्मेट में आंसर कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 पेज इनफ होती है। अगर आप उतना लिखते हैं और अगर आप पूरी पॉइंट बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं।